हेलो एवरीवन। सो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंग चिनसे ने वाइट फीमेल गोस्ट को ठीक कर दिया था, जिसे देखकर उसके मॉम एंड डैड बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और जैसे ही ये सब कुछ कंप्लीट होता है, धीरे धीरे वहाँ के लोग वैनिश होने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग कम्प्लीटली वैनिश हो जाते हैं, वहाँ पर उन लोगों को की मिल जाती है, जिसे रुआन उठा कर लिंग चिनसे को दे देता है। लिंग चिनसे उससे डोर को ओपन करता है और फिर सभी लोग एक एक करके वहाँ से निकल जाते हैं। लिंग चिनसे अपने उसी बाथरूम में आ जाता है। यहाँ देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे यकीन नहीं होता, तो वह अपने आप को ही पिंच करता है और फिर कहता है, क्या मैं सच में वापस आ गया? और तभी उसकी नज़र वॉच पर जाती है, तो उसे पता चलता है कि वह सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वहाँ पर गया था। यहाँ देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। लिंग चिनसे इसी सोच में था और तभी उसका रूममेट डोक सी आ जाता है, जो उससे पूछता है कि तुम इतने डिप्रेस्ड क्यों लग रहे हो। इस पर लिंग चिनसे कहता है, मैं बस कुछ सोच रहा था। तभी टोकी की नज़र लिंग चिनसे की नेक पर जाती है, जहाँ पर चोट लगी हुई थी। लिंग चिनसे यह सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी उसे याद आता है कि ये चोट तो फीमेल गोस्ट ने उसे दी थी, तो वह सोचने लगता है कि गेम में लगी चोट मुझे अभी भी फील हो रही है। तभी टोकी उससे कहता है, तुम्हें अभी अभी एक न्यू गेम मिला है ना? लिंग चिनसे कहता है, हाँ, और मैं गिर गया था। टोकी कहता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम गिरे हो, या फिर ये कोई हिक्की है, ऐसा लग रहा है कि किसी रोप से तुम्हें खींचा गया हो। लिंग चिनसे कुछ कहता उससे पहले ही उसके हाथ में एक नोट आता है, और जब वह उसे ओपन करता है तो वहाँ पर फीचर्स पर लिखा हुआ था। लिंग चिनसे को कुछ समझ नहीं आता। टोकी उसे वही टोर वाला गेम दिखाते हुए कहता है, ये स्पिरिलम गेम है ना? इस पर लिंग चिनसे कहता है, तुम जानते हो इस बारे में? टोकी कहता है, हाँ। और ये कहते कहते वह गेम को ओपन कर लेता है, लेकिन तभी लिंग चिनसे की नज़र फर्स्ट टोर पर जाती है, और जब वह उसे ओपन करता है तो ये वही टोर था जहाँ से होकर वह अभी आया था, और तभी वह टोर फैनिस हो जाता है। यह देखकर टोकी उससे कहता है, ये गेम तुम्हें कहाँ से मिला है? और ये गेम तो अभी तक चाइना में लॉन्च भी नहीं हुआ। लिंग चिनसे कहता है, ये गेम मेरे पास किसी ने भेजा था, और गेम में बिल्कुल ग्लोमी संडे की तरह लगता है। टोकी कहता है, ग्लोमी संडे, क्या तुम इस बारे में जानते हो? लिंग चिनसे मना कर देता है। टोकी कहता है, ये एक नोटोरियस डेथ सॉन्ग है, और जो भी लोग इस सॉन्ग को सुनते हैं वो या तो पागल हो जाते हैं या फिर सुसाइड कमिट कर लेते हैं। लिंग चिनसे कहता है, तुम्हारे मतलब है कि इस गेम को खेलने वाले लोग मर जाते हैं? टोकी कहता है, हाँ, और कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया था, इसीलिए तो इस गेम को द स्पिरिलम ऑफ डेथ कहते हैं, और इस गेम को तो काफ़ी वक्त पहले ही बंद कर दिया गया था। लिंग चिनसे कहता है, लेकिन इस गेम में ऐसा होता क्या है? टोकी कहता है, ये सब तो मुझे भी नहीं पता, बस मैंने इतना सुना है कि एक बार अगर तुमने डोर में प्रवेश कर लिया तो तुम कभी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे और न ही कभी इस गेम से छूट पाओगे। और अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैंने इसे कब का ही डिलीट कर दिया होता। यह सुनकर लिंग चिनसे भी उस बारे में सोचने लगता है, लेकिन नाइट में रुआन उसके पास आ जाता है। लिंग चिनसे यह देखकर काफ़ी शॉक होता है और वह उससे पूछता है कि तुम मेरे रूम में कैसे है? रुआन कहता है, इस जैसे डोर को ओपन करना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, अब उठो और फ्रेश हो जाओ और मेरे साथ चलो, और अगर तुम जाओ तो तुम मेरे साथ न भी आ सकते हो। लेकिन लिंग चिनसे रुआन के साथ जाने का फैसला करता है। वह रुआन से पूछता है कि आखिरकार तुमने मुझे ढूंढा कैसे? इस पर रुआन कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि अपना रियल नेम किसी को मत बताना। और फिर वो लोग कार में बैठते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। लिंग चिनसे को कार में अपने टीममेट चेंग किनले से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर कहता है, बाकी बातें हम ऑब्सिडियन जाने के बाद करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो लोग ऑब्सिडियन आ जाते हैं। रुआन सभी लोगों को लिंग चिनसे से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिर वह किनले से कहता है कि इसके लिए सब कुछ दिया है तो इसे सब कुछ एक्सप्लेन कर देना, और तब तक मैं पहले जाकर डोर को चेक करके आता हूँ और मैं 15 मिनट में लौट आऊँगा। और ये कहते हुए वह वहाँ से चला जाता है। किनली सभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाने लगता है और फिर वह एक लड़की की तरफ इशारा करके कहता है, इसका नाम लुयान सुई है और ये हमारी टीम में सिर्फ एक इकलौती गर्ल है,
और ये एक मैन से भी कहीं ज़्यादा बॉल्ड है। और फिर वह एक मैन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, इसका नाम चेंग फाई है। और फिर दूसरे मैन की तरफ इशारा करके कहता है, इसका नाम ही मान मान है। सभी लोग लिंग जिनसी की तरफ इतना खुश खास अटेंशन नहीं देते। इस पर किनली कहता है, अगर एक बार तुम डोर के अंदर मर गए तो तुम रियल लाइफ में भी मर जाओगे, इसलिए ये लोग अजनबी के साथ इतना अटैच नहीं होते, क्योंकि डोर के अंदर का टाइमिंग हमारे एक्चुअल रियल टाइम से सिर्फ 15 मिनट का ही फासला होता है। इस पर लिंगजिन से कहता है, हाँ मुझे इसमें कोई शक नहीं है। किनली कहता है, हाँ इसलिए तो इसे स्पिरिलम कहते हैं, एक बार अगर तुमने इस गेम को 1 मिनट के लिए भी स्टार्ट कर दिया। तभी लिंगजिन से कहता है, ये क्लो में संडे की तरह लगता है। किनली कहता है, हालांकि मुझे इस क्लो में संडे के बारे में तो नहीं पता, लेकिन रोहन भी बिल्कुल यही मुझसे कहा करता है। और क्या तुमने डोर को ओपन किया है? और क्या तुम्हें कोई नोट मिला है? इस पर लिंगजिन से उसे एक नोट दिखाता है। और जब उस नोट को किनली रीड करता है तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं। किनली कहता है, तुम्हें सेकेंड डोर यही क्यों मिला? इस पर लिंगजिन से कहता है, मुझे भी ये बिल्कुल फेरी टेल की तरह लगता है। किनली कहता है, जब रुआन वापस आ जाए तो तुम इस बारे में उससे पूछ लेना, क्योंकि जब भी वह डोर से बाहर निकलता है वह बिल्कुल किंग की तरह बिहेव करता है, वह हमारा बॉस है। इस पर लिंगजिन से कहता है, वह तुम्हारा बॉस है, वह मेरा बॉस नहीं है। बताओ तुम लोग सभी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे इसे सुनने के बाद? इस पर किनली कहता है, क्योंकि यह बहुत ही ज़्यादा स्केरी है, मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, इसलिए जब रुआन वापस आ जाएगा तो वह तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा, तब तक तुम ऊपर जाकर रेस्ट कर लो। तो फिर लिंगजिन से भी ऊपर जाता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात किनली जैसे दिखने वाले पर्सन से ही होती है। तो उससे कहता है, तुमने अपना स्टाइल चेंज कर लिया। लेकिन यहाँ पर लिंगजिन से को पता चलता है कि ये किनली का ट्विन ब्रदर है जिसका नाम येसी है। किनली भी यह बताने के लिए लिंगजिन से के पास आता है और उससे कहता है, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया, मेरा ट्विन ब्रदर है जिसका नाम येसी है और उसे ये सब चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इस पर लिंगजिन से कहता है, थैंक यू मुझे ये सब बताने के लिए। लिंगजिन से अपने रूम में था और जब वह विंडो से देखता है तो उसकी नज़र रुआन पर पड़ती है जो कि इंजर्ड था। तो फिर वह उसके पास आ जाता है, वह रुआन से पूछता है, तुम्हें हुआ क्या है? रुआन कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मेरी चिंता हो रही है? लिंगजिन से कहता है, तुमने यहाँ पर किसी को बुलाया क्यों नहीं? रुआन कहता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। यह सुनकर लिंगजिन से उससे कहता है, ठीक है तो लाओ मुझे, मैं कर देता हूँ। और यह कहते हुए वह उसके मेडिसिन अप्लाई करने लगता है। और फिर वह उससे पूछता है, जब भी तुम डोर के अंदर जाते हो तो तुम्हारी हालत ऐसे ही हो जाती है? रुआन लिंगजिन से उससे कहता है, तुम अकेले पर्सन हो जिसे मैंने दरवाजे के अंदर और बाहर एक जैसा ही देखा है। लिंगजिन से कहता है, तो इसका मतलब दरवाजे के अंदर अलग पर्सन होता है और दरवाजे के बाहर अलग पर्सन होता है? ट्वान कहता है, हाँ लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। ट्वान ने अभी तक खाना नहीं खाया था तो लिंगजिन से उसके लिए लेकर आता है। और फिर वह उससे पूछता है, तुम्हें ये सब करने के लिए काफ़ी सारा मनी मिलता होगा ना? ट्वान कहता है, इस ऑक्सीडेशन में कोई भी पैसा नहीं मिलता, बल्कि हम एक दूसरे के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि जो भी लोग पहले 6 दरवाजों को पास ना कर सके हम उन प्लेयर्स की मदद कर सके। और पैसों से ज़्यादा उस गेम में प्रॉप्स कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं। लिंगजिन से कहता है, इन दरवाजों में अलग क्या है? ट्वान कहता है, इनमें बहुत कुछ अलग है, बहुत सारे प्लेयर्स एक ही टाइम पर एक ही दरवाजे में प्रवेश करते हैं, लेकिन जो पहला पर्सन इसको पास करता है उसे ही नेक्स्ट दरवाजे का क्ल्यू मिलता है और ऐसा ही क्ल्यू तुम्हें भी एक मिला है। यह सुनकर लिंगजिन से उसे देखने लगता है। ट्वान कहता है, हर दरवाजे का अलग सेंसर थीम होता है जिन्हें 4 इमेज के द्वारा शो किया गया है, ब्लू ड्रैगन, व्हाइट टाइगर, वर्मिलियन बर्ड एंड ब्लैक टर्टोइस। और ब्लू ड्रैगन ये दरवाजे का सबसे लोएस्ट लेवल है एंड उसके बाद व्हाइट टाइगर और उसके बाद बाकी अदर सब। और फीचर्स बर्ड ये ब्लू ड्रैगन ही है जो दरवाजे का सबसे लोएस्ट लेवल है। यह सुनकर लिंगजिन से कहता है, तो जब तुमने इसके बारे में सुना था तो तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे? ट्वान कहता है, क्योंकि इस दरवाजे से आज तक कोई भी जिंदा बाहर नहीं आया है। इस बारे में हमने इंटरनेट डिस्कस भी किया है लेकिन कोई भी इस दरवाजे के बारे में कोई भी क्ल्यू नहीं देना चाहता। और बहुत से लोगों का कहना है कि जिस किसी ने भी इस दरवाजे के बारे में क्ल्यू दिया है वह कभी भी दोबारा देखा नहीं गया है। लेकिन डोंट वरी, हम दोनों
साथ मिलकर इस दरवाजे को पास करेंगे। इस पर लिंगजिन से कहता है, क्या हम लोग सच में पास कर पाएंगे? रुआन हाँ कहता है। लिंगजिन से कहता है, तुम सियांगकी और के को कैसे जानते थे? इस पर रुआन उन्हें बताने लगता है, एक्चुअली सियांगकी और के एक बॉस के लिए काम करते थे जो कि इस पिरेलम गेम के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। उसे सुनने के बाद लिंगजिन से कहता है, तुम मुझे ऑब्सीडेशन ज्वाइन करवाना चाहते हो, लेकिन मैं यहाँ तो नया हूँ, तो मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। इस पर रुआन कहता है, तुम इकलौते ही नए नहीं हो, बल्कि मैं भी हूँ, और मैंने तुम्हारी वैल्यू को देखा है, तुम कितने वैल्यूएबल हो। यह सुनकर लिंगजिन से खुश हो जाता है। रुआन कहता है, मैं तुम्हें एक रात का वक्त सोचने के लिए दे रहा हूँ, और तुम कल सुबह मुझे आंसर दे देना। इस पर लिंगजिन से कहता है, और अगर मैं तुम्हें अभी आंसर दे दूँ तो? मैं सब नहीं करना चाहता। इस पर रुआन कहता है, और मुझे इसकी वजह दो। लिंगजिन से कहता है, क्योंकि मैं डोर्स में नहीं जाना चाहता। रुआन कहता है, तुम मुझे तो मना कर सकते हो, लेकिन तुम डोर्स को कभी मना नहीं कर सकते। लिंगजिन से वहाँ से चला जाता है, तभी वहाँ पर चेंगफाई आता है, जो उससे कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है कि किसी डोर ब्रेकर ने रुआन को मना किया है, और उसके बावजूद भी तुम उसे चूज कर रहे हो। मुझे लगता है कि हमें ये मान को चूज करना चाहिए, क्योंकि उसने हमारे साथ बहुत सारे डोर्स को पास किया है। इस पर रुआन कहता है, मेरा इंस्टीट्यूशन कहता है कि वह यह सब जरूर कर पाएगा। लिंगजिन से जब घर जा रहा था, तभी उसकी नज़र वांग चाओई पर पड़ती है, तो वह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन तभी रोड पर तीन लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, और जब वह जाकर चेक करता है तो वहाँ पर वांग चाओई, डिलीवरी मैन और चेंग था, जिसे देखकर वह काफ़ी ज़्यादा शोक हो जाता है। और फिर वह डरते हुए घर आता है, जहाँ पर डॉग की उसे देखता है, और जब वह उसके हाथ की चोट को देखता है तो वह उससे पूछता है कि तुम्हें ये इंजरी कहाँ से हुई? लिंगजिन से कहता है, कुछ नहीं, बस रोड पर एक्सीडेंट हो गया था। यह सुनकर डॉग की उसे डरते हुए कहता है, तुम हमेशा ही दूसरे लोगों के काम में टांग क्यों अड़ाते हो? तुम कोई इस वर्ल्ड को बचाने वाले जेवियर नहीं हो। लिंगजिन से कुछ नहीं सुनता और फिर से वह अपने बाथरूम में आता है, और फिर वह सोचने लगता है, अगर एक बार तुम डोर के अंदर मर गए तो तुम बाहर में मर जाओगे। लिंगजिन से को याद आता है कि वांग चाओई, चेंग और डिलीवरी मैन, ये तीनों उस गेम में मर चुके थे। तभी उसके पास रुआन का मैसेज आता है, जो उससे कहता है, तुम मुझे तो मना कर सकते हो, लेकिन तुम डोर्स को मना नहीं कर सकते। और फिर से डोर ओपन हो जाता है, और फिर से लिंगजिन से उसी डोर वाले जगह पर आ जाता है। लिंगजिन से दूसरे डोर को ओपन करता है, जहाँ पर वह दूसरे वर्ल्ड में आ जाता है, और वहाँ पर रुआन उसका वेलकम करता है। लिंगजिन से उससे कहता है, क्या तुमने न्यूज़ देखी? चेंग, वांग चाओई और चांग, वो तीनों मारे जा चुके हैं। यह सुनकर रुआन कहता है, मुझे कोई भी न्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये सब पहले से ही पता था, लेकिन तुम तो मुझ पर बिलीव नहीं करते। लिंगजिन से उससे कहता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? क्या कोई ऐसा फोर्स है जो भी डोर को प्रेस करता है वो हम जैसे प्लेयर्स को हार्म करता है? इस पर रुआन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम बस कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, लेकिन ये गेम की एक सच्चाई भी है, और अगर तुमने गेम को खेलना चूज किया ही है तो तुम्हें ये सब भी एक्सेप्ट करना होगा। इसके बाद वो दोनों एक बिल्डिंग में आते हैं, जहाँ पर अदर प्लेयर्स उनका वेट कर रहे थे। ध्यान कहते हैं, मेरा इस टूर में सेकेंड टाइम है, और यहाँ पर नोट टूरना बहुत ही ज़्यादा आसान है, लेकिन यहाँ से निकलना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। रुआन अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है, मेरा नाम जुम पेंग है, और मैं इस टूर को दूसरी बार पास कर रहा हूँ। तभी तियान भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है, और फिर कहती है, और मैं भी इस टूर को सेकेंड टाइम पास कर रही हूँ। इसके बाद सभी लोग एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। लिंगजिन से यहाँ पर भी अपना रियल नेम ही बताने वाला था, तो रुआन उसकी तरफ घूर कर देखता है, तो फिर वह अपना नाम यू लिंगलिंग बता देता है। एक लड़की जिसका नाम सू साओ चिंग था, वह काफ़ी डर रही थी, और वह कहती है, ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, क्या हम लोग यहाँ से बाहर निकल पाएंगे? रुआन कहता है, अगर हम लोग एक बार डोर के अंदर आ गए तो जब तक हमें डोर और के नहीं मिल जाते, तब तक हम लोग यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और लेकिन मैंने एक चीज़ सुनी है,
जो भी लोग इस स्टोर के अंदर आते हैं और वो फोक को पार करते हैं, वो मूविंग डेड की तरह बन जाते हैं और कोई भी यहाँ से जिंदा निकल नहीं पाता। यह सुनकर सभी लोग काफी डरने लगते हैं। ट्वान सभी लोगों से कहता है कि पहले हमें बिल्डिंग के अंदर जाना चाहिए। सभी लोग जाने लगते हैं। सु साउ चेंग ट्वान के पास आकर कहती है, मेरी एक्टिंग कैसी थी? इस पर ट्वान कहता है, बहुत ही ज्यादा टेरिबल थी, जबकि मैंने टूर के अंदर आने से पहले तुम्हें बहुत कुछ सिखाया था। सभी लोग एक एक करके लिफ्ट में जाने लगते हैं। वो काफी जल्दबाजी कर रहे थे। इस पर रवान कहता है, हो सकता है कि ऊपर उससे भी ज्यादा कहीं डरावना हो, तो अगर तुम लोग इतना जल्दी करोगे तो तुम लोग शायद पहले मर भी सकते हो। यह सुनकर सभी लोग बाहर निकल जाते हैं। रवान लिंग जिनसी की तरफ इशारा करता है और फिर कहता है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और जाकर चेक करता हूँ कि ऊपर हो क्या रहा है, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर मैं तुम लोगों को नीचे लेने आ जाऊँगा। यह सुनकर जो साउचिंग कहती है, प्लीज जल्दी आना, मुझे यहाँ पर काफ़ी डर लग रहा है। तो रुआन ओके कहता है और फिर लिंगजिनसी और रुआन ऊपर जाने लगते हैं, लेकिन वो यहाँ पर सिर्फ 14th फ्लोर पर ही जा सकते थे। यहाँ देखकर रुआन उससे कहता है, लगता है कि हम लोग सिर्फ 14th फ्लोर पर ही जा सकते हैं। लिंगजिनसी रुआन से पूछता है कि सु साउचिंग कौन है। रुआन बताता है कि वह एक एक्ट्रेस है, उसने बहुत से मूवीज में काम किया है, तुमने तो उसका वर्क देखा होगा ना। लिंगजिनसी कहता है, तुम भी बहुत अच्छे एक्टर हो, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छे से जमेगी। इस पर रुआन कहता है, नहीं, वो इतनी अच्छी भी एक्ट्रेस नहीं है, उसकी एक्टिंग तो तुमसे ज़्यादा अच्छी नहीं है। यह सुनकर लिंगजिनसी स्माइल करने लगता है, लेकिन तभी उन लोगों की लिफ्ट हिलने डुलने लगती है। तो रुआन उसे बताता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की कमी है, और फिर वो लोग 14th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर वो एक डोर को देखते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शोरगुल हो रहा था। तुरवान उसे नॉक करने लगता है, और इसी के साथ ये एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।